पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई देखती रह गई पूरी दुनिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस वक्त कंगाली का दौर देख रहा है। भुखमरी, बदहाली, बेरोजगारी समेत ये देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। हैरानी की बात देखिए, ऐसे मुश्किल वक्त में कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। वो देश जो कभी पाकिस्तान के सगे बना करते थे, उसे भाई भाई कहा करते थे, वो देश भी अब हाथ पीछे खींच चुके हैं। दिलचस्प बात देखिए, पाकिस्तान इतनी तंगहाली में भी भारत के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा। वो अलग बात है कि मोदी सरकार की तरफ से भी फिर उसे करारा जवाब मिलता है। अब इसी बीच केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से संचालित होने वाली 14 मैसेंजर एप्स को बैन कर दिया है। बताया जा रहा है इनमें बी चैट भी शामिल है। अचानक आनन फानन में ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब पाकिस्तान के हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। भारत से अच्छी खासी कमाई कर रही इन एप्स को बंद कर दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। केंद्रीय आईटी मिनिस्ट्री ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर ये फैसला लिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सोर्सेज की माने तो इन्हीं एप्स के जरिए आतंकी अपने आकाओं के संपर्क में रहा करते थे। ये आतंकी उन्हीं के इशारे पर ज्यादातर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। ऐसे में इन एप्स को बंद कर ऐसे आतंकियों की और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं की कमर तोड़ने का काम किया गया है। सरकार के इस कदम की चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर हो रही है। देश की जनता इस फैसले को पूरी तरह से सही बता रही है। वैसे भी पड़ोसी देश पाकिस्तान के मंसूबे तो किसी से छिपे हैं नहीं। खैर, जिन ऐप्स को बैन किया गया है उनके बारे में भी आपको बताते चलते हैं। इनमें बी चैट के साथ साथ क्रिप वाइजर, इनिग्ना, सेफ स्विस, विक्रमे, मीडिया फायर, ब्रायर, नैंडबॉक्स, कोनियन, आईमो, इलेमेंट, सेकंड लाइन और जंगी एंड थ्रेमा शामिल है। बहरहाल बीजेपी इन दिनों कर्नाटक में चुनावी प्रचार में व्यस्त है। कर्नाटक की जमीन पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं और एक के बाद एक धाकड़ रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों के दौरान पीएम मोदी अपने विरोधियों को भी जमकर घेर रहे हैं। ऐसे ही एक धाकड़ बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से मोदी सरकार ने इन पाकिस्तानी एप्स को बैन किया है, उस फैसले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। विकास के इन कार्यों के बीच कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमद्दा बीजेपी सरकार। और मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेताओं में गाली देने की स्पर्धा चल रही है। मैंने आज ही मन की बात की सेंचुरी पूरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस गाली देने की सेंचुरी इसी चुनाव में लगा देगी, ऐसा लगता है। 10 मई को चुनाव होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ में, हर घर जाइए, हर मतदाता को मिलिए। मिलेंगे ना, घर घर जाएंगे, बताएंगे लोगों को भाजपा को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मत देने के लिए कहेंगे। आप जब